नवादा में आग से जलकर एक युवती की मौत हो गई। मार्च 2023 में मृतका की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी अर्थी उड़ गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ये घटना परिकबरावा थाना क्षेत्र के खराड गांव की है। मृतका की पहचान शंकर पासवान की 20 वर्षीय पुत्री कृतिका कुमारी के रूप में किया गया। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कृतिका घर से चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी आग की लपटें उसके कपड़े को पकड़ लिया। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक आग पूरी तरह से उसे अपने आगीस में ले लिया, जिससे कृतिका की मौत हो गई। मृतका के पिता शंकर पासवान ने बताया कि मार्च 2023 में कृतिका सहित दो बेटियों की शादी होने वाली थी। बेटियों की शादी के लिए अभी से ही तैयारियों में जुटे थे। धीरे धीरे बेटी को देने के लिए सर सामान की भी खरीदारी कर रहे थे। कृतिका चार बेटियों में सबसे बड़ी थी। इसी बीच सोमवार की शाम खाना बनाने के दौरान वह आग की चपेट में आ गई, जिससे कृतिका की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जहां कृतिका की शादी तय हुई थी वहां भी मातम सन्नाटा पसर गया। खाना बनाने क्रम में जल गई। अच्छा, और जल गई, जलकर जल गई, पता नहीं चला कपड़ा कहां गया। अच्छा, कैसे आप लोगों को पता चला? हमको जानकारी हुआ फोन। अच्छा, घर में कौन कौन थे? घर में माँ थी, माँ होगी। हाँ, घर में माँ होगी। अच्छा, कारण कि घर की दूरी पर कुछ दूरी पर गौशाला भी है। हाँ, माँ वहाँ भी जाती है चल। अच्छा, वहाँ से हम लोग को आया मालूम चला कि अरे तुम्हारा बेटी की तो मर गई। लोग केवल रात पागल घर में देखी आग लगल। अच्छा, ये आपकी बेटी का शादी कब था? शादी होली के बाद। होली के बाद तो कितने दिन बाद शादी भी आया था उसका? होली के बाद बोले ना, करते ना, अभी डेट फिक्स नहीं किए। होली के बाद? हाँ, दो बोले ना, दो बेटी का शादी। दोनों बेटी का करते एक ही बार? शादी एक सबसे बड़ी कर रहे थे, सेट किए थे, चार बेटी मेरी। अच्छा, समझ गए। तो ये एक सबसे बड़ी थी? बड़ी थी। पढ़ाई करती थी क्या? इंटर पास थी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शंकर पासवान।